नमस्कार दोस्तों, आप लोग का मैं फिर से स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप इस श्रम कार्ड को बनवा लिए हैं, दोस्तों इसमें ये लिखा था कि आपको 2 लाख रुपए का बीमा मिलेगा, 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलेगा। तो दोस्तों आपको लेना कैसे है, तो दोस्तों इस वीडियो में यही जानेंगे कि आपको उस बीमा को लेना कैसे है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसा ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों हम बताएंगे कि जैसा कि इस श्रम कार्ड आप बनवा लिए हैं, 2 लाख रुपए का बीमा मिल रहा है और 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिल रहा है। तो दोस्तों बस ये आप लोग जानते हैं कि बस मिल रहा है 2 लाख का बीमा मिल रहा है, 1 लाख रुपये का बीमा मिल रहा है, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते कि आपको लेना कहाँ से है, कैसे हमको 2 लाख का बीमा मिलेगा, 1 लाख रुपया का बीमा मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देख लेंगे तो सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने से कर सकते हैं जो हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया था और उस पर सारा डिटेल पता किया हमको, यह जो बीमा हमको मिलने वाला है 2 लाख रुपये का और 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा है, वो हमको कैसे मिलेगा। तो दोस्तों ये पहले रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए। लिए 1 दबाएं। टू नो इन इंग्लिश, ई श्रम से संबंधित जानकारी के लिए 1 दबाएं। श्रम योगी मानधन पेंशन योजना से संबंधित जानकारी के लिए 2 दबाएं। व्यापारियों और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित जानकारी के लिए 3 दबाएं। ई श्रम हेल्प डेस्क पर कॉल करने के लिए धन्यवाद। ई श्रम से संबंधित जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.eshram.gov.in पर विजिट करें। कृपया लाइन पर बने रहें, आपका कॉल हमारे ग्राहक सहायता प्रतिनिधि से जोड़ा जा रहा है। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण बिल्कुल मुफ्त है, इसके लिए कोई भी धनराशि देय नहीं है। सभी एजेंट इस समय व्यस्त हैं, आपका कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कृपया लाइन पर बने रहें और आपके कॉल का उत्तर शीघ्र ही दिया जाएगा। दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी अपंगता पर पहले वर्ष के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए की मुफ्त राशि दी जाएगी और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख की मुफ्त राशि दी जाएगी। पीएम सिस से संबंधित लाभ अन्य योजना। किसी भी अधिक सहायता और जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट www.eshram.gov.in देखें। All of our agents are busy at this time. Your call is very important to us. Please stay on the line and your call. Sir, इस श्रम में आपका स्वागत है, बताइए कर सहायता कर सकते हैं। सर हेलो। हेलो, हाँ जी सर बोलिए। सर हम ये पूछना चाहते हैं कि जो इस श्रम कार्ड पर दुर्घटना के कारण 2 लाख रुपया और जैसे बीमा मिल रही है जी, वो हमें मिलेगी कैसे, हमको क्या करना पड़ेगा? सर अगर एक्सीडेंट के दौरान डेथ होती है या कोई आकस्मिक डेथ होती है या कोई हैंडीकैप के व्यक्ति होता है तो उन्हें ये बेनिफिट्स मिलता है। ओ हैंडीकैप जी, हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा? जी जी हम सुन रहे हैं सर आपको। सर गूगल पे जाके www.gm.esram.gov.in जी साइट पे जाके आप बेनिफिट फाइंड करने से रिलेटेड अपनी सेल्फ कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। अगर हम उस पर जाकर कंप्लेन दर्ज करते हैं सर तो जी फिर हमें क्या करना पड़ेगा? सर उसमें कंप्लेन आप दर्ज करते हो, आपके पास कंप्लेन नंबर आता है जी, उसके बाद 7 डेज के अंदर अंदर आपके पास सॉल्यूशन का मैसेज आ जाता है कि आप जो बेनिफिट है वो किस थ्रू कहाँ से फाइंड कर सकते हैं जी। तो सर आपके फोन पे मैसेज आ जाता है, हम मैंने इस श्रम कार्ड को बनवा लिया है। देखिए सर हम इसलिए पूछ रहे हैं सर आपसे क्योंकि हमारा एक YouTube पर चैनल है। हेलो, हमको ये जानकारी बताना है अपने व्यूअरों को कि यानी पैसा मिलेगा कैसे। सर जो आपको जो मैंने जो साइट बताई है www.gms.esram.gov.in जी, इस साइट में आपको एक लोडेड इंटरनेट का ऑप्शन आता है। किसका? इस पे आप क्लिक करते हो, लोडेड इंटरनेट LOTGE जी, ऑप्शन जी आपके क्लिक करते आपको 3 ऑप्शन ओपन होते हैं जी, क्लिक करना है जी, क्लिक करते हैं तो उसमें अपने कार्ड की बेसिक डिटेल फिल कीजिए जी,
की जो डिस्क्रिप्शन होता है तो मानते हैं अगर कैंडिडेट की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी वांट टू क्लेम डिस्क्रिप्शन में क्लेम कर सकते हैं अपना जी बेनिफिट आपके करना चाहते हैं उसके लिए ओटीपी होता है जो जो क्लिक करते अगर सर हेलो जी अगर दुर्घटना के कारण एक्सीडेंट हो जाती है सर वो जो हमें 1 लाख रुपया की बीमा दी जाएगी वो किस खाते में दी जाएगी नॉमिनी के खाते में दी जाएगी या जिसके नाम से श्रम कार्ड बना है उसके खाते में दी जाएगी सर अगर कैंडिडेट की डेथ होती है जी तो उस डेथ के बाद जो बेनिफिट फाइंड करने वाला होता है तो नॉमिनी कैंडिडेट होता है नॉमिनी का कैंडिडेट अपना जो कंप्लेंट फिल कर सकते हैं अगर कैंडिडेट डेथ नहीं हुई है अगर वो एक्सीडेंट हुआ है जी मतलब उन्होंने अपना जो हैंडीकैप्ट हो जाते हैं आंशिक विकलांग होते हैं तो कैंडिडेट ने खुद अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं जी अगर सर मान लीजिए सर कि हमारा कार्ड बना है श्रम कार्ड और नॉमिनी के नेम भी हमारे साथ ही है और दोनों का एक्सीडेंट हो गया है या जैसे समझ रहे हैं मालिक ना करे वो होए लेकिन मैं जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ कि तो नॉमिनी भी नहीं है और कैंडिडेट भी नहीं तो फिर किसको दिया जाएगा सर तो उसमें आपने जो फिल करते हैं डिस्क्रिप्शन तो उसमें आपने फिल कर सकते हो बेनिफिट जो आपका कौन सा पार्ट आपका डैमेज हुआ है जी वो आप करके वांट टू क्लेम PMSBY कर सकते हो वहाँ पे ठीक उसी वेबसाइट पर होगा जी सर जो बेनिफिट जो भी आपका इश्यू होता है जी जो साइट है उससे ही सॉल्व होता है आपका जी 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 सर ओके सर जी सर थैंक यू सर जी थैंक तो दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो अगर मैंने सारा जानकारी आपको लगता है कि मैं अच्छे से दिया हूँ तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।